ओके तो भाई फाइनली WWE कंपनी का दो दो नया पीपीवी आने वाला है। सबसे पहले वैसिन वर्लिन और सेकंड पीपीवी आने वाला है बैड ब्लड। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वैसिन वर्लिन और बैड ब्लड के सारे मैचेस बताने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं आपको सारे मैचेस का रिजल्ट भी बताने वाला हूँ। तो भाई आइए हम शुरू करते हैं। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, अगर आपको भी अगर मूड अच्छा करना तो आपको पता है आपको सुबह शाम क्या करना होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट के साथ बकचोदी फ्री में मिलता है। तो सबसे पहला मैच के बारे में बात करो जो कि आपको देखने को मिलेगा, कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवंस के बीच। भाई डब्ल्यू वाली इस मैच को कौन सा गांजा फूक कर बुक किया मुझे नहीं पता भाई। ये मैच वैसे बड़ा कमाल का होने वाला है, क्योंकि भाई केविन ओवंस अपने आप में एक ऐसे एथलीट है जो कि भाई हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते। केविन ओवंस की तरफ से हमें नेक्स्ट लेवल का हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, कोडी रोड्स की तरफ से भी हमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम लोग इस मैच के रिजल्ट के बारे में बात करें तो भाई मेरे ख्याल से सबको पता होगा इस मैच के अंदर कौन सा रेसलर विन करने वाला है। कोडी रोड्स का भाई इस मैच के अंदर हारने का कोई भी चांसेस नहीं है। कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 तक अपना टाइटल वो किसी भी हाल में हारने नहीं वाले। बेसिकली डब्ल्यू वाले भाई बस ऐसे टाइम पास के लिए इस वाले मैच को रखिए, मतलब और कुछ भी मतलब दूसरा पर्पस है ही नहीं। आगे जाकर फिर सर्वाइवल सीरीज के अंदर शायद से कोडी रोड्स रोमन रेंस के साथ मे भी ये जुड़ सकते। तो जो भी हो भाई इस मैच के अंदर कोडी रोड्स विन करने वाला वैसिन वर्लिन का इस तरीके से आपको एंडिंग देखने को मिलेगा। देन इसको नेक्स्ट मैच को और बात करें जो कि होने वाला गुंथर वर्सेस द पाइपर रैंडी ऑर्टन के बीच में। और भाई मैं आपको सही बताऊं तो भाई ये जो मैच है ये समर स्लैम लेवल का मैच है या फिर रेसलमेनिया लेवल का मैच है। पर भाई ये जो मैच हो रहा अभी फिलहाल मतलब ये गलत टाइमिंग पर हो रहा है। बेसिकली भाई गुंथर अभी करंट टाइम में चैंपियन बने तो गुंथर का टाइमिंग काफी अच्छा खासा चल रहा है। अगर हम लोग रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करें तो उनका टाइमिंग ऑल टाइम सबसे लो चल रहा है, सबसे खराब चल रहा है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यह कि पिछले 1200 दिन से रैंडी ऑर्टन एक भी सिंगल पीपीवी के अंदर एक भी मैच के अंदर वो विन नहीं किया। लास्ट टाइम ब्रे वाइट को रेसलमेनिया के अंदर हराया था जो कि आज के 1200 दिन पहले हुआ था। भाई रैंडी ऑर्टन का भाई दिन बहुत खराब चलते जा रहा है, लगातार 4 साल से सारे पीपीवी के अंदर सारों मैचेज हारते जा रहे हैं। बेसिकली अगर हम लोग गुंथर और रैंडी ऑर्टन के मैच के बारे में बात करें तो भाई इस मैच के अंदर भी रैंडी ऑर्टन मैचेज हारने ही वाले। बेसिकली भाई गुंथर एक नए चैंपियन बने और गुंथर के होम टाउन के अंदर ये वाला पीपीवी हो रहा है। गुंथर बेसिकली भाई ऑस्ट्रेलिया के पर बर्लिन के अंदर भी मतलब काफी टाइम में रहे। डब्ल्यू वाले भाई बर्लिन शहर के अंदर एक अच्छा मैच गुंथर को देना चाहते थे, क्योंकि भाई गुंथर यहाँ पर मेन इवेंट करने वाले, तो इसलिए भाई गुंथर और रैंडी ऑर्टन के मैच को डाल दिया गया। बाकी भाई इस मैच के अंदर कुछ भी नहीं है। रैंडी ऑर्टन के पास भाई अभी करंट टाइम हील करेक्टर भी उनका नहीं कि मतलब हमें रैंडी ऑर्टन का जलवा देखने को मिले। बहुत नॉर्मल भाई, रैंडी ऑर्टन इस मैच के अंदर हार जाने वाला, गुंथर इस मैच के अंदर विन कर जाने वाला। जहां तक मेरा ख्याल है भाई रेसलमेनिया 41 से पहले भाई गुंथर अपने टाइटल को हारने नहीं वाले। मेरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर वापस आने वाला रॉयल रंबल के अंदर और रेसलमेनिया 41 के अंदर गुंथर को चैलेंज करने वाले। फिलहाल भाई अभी गुंथर का हारने का कोई भी चांसेस है नहीं। देन इसके बाद नेक्स्ट मैच के बारे में बात करें, जो मैच होने वाला हमारा ब्रॉन ब्रेकर का। बेसिकली भाई ब्रॉन ब्रेकर के अपोनेंट के तौर पर यहाँ पर दो दो रेसलर का नाम निकलकर सामने आ रहा है। पहले रेसलर हमारे लुडविंग काइजर है और सेकंड रेसलर हमारे इलीजा ड्रैगनोव है। जहां तक मेरा ख्याल है भाई इनका फाइट से इलीजा ड्रैगनोव के साथ हमें देखने को मिल सकता है। देखो ब्रॉन ब्रेकर भाई पिछले मंडे नाइट रॉ पर आया था, जहां ब्रॉन ब्रेकर इस बात को बोले मैं एक ओपन चैलेंज करता हूं, जिसको भी आकर मुझे चैलेंज करना है मतलब सामने से आकर चैलेंज कर सकता हूं। फिलहाल भाई इनका एग्जैक्टली अपोनेंट कौन सा होने वाला हमें नेक्स्ट वीक शायद से पता चलेगा, क्योंकि भाई नेक्स्ट वीक डब्ल्यू वाले ब्रॉन ब्रेकर और सैमी जेन के बीच में एक रिमैच रखी मंडे नाइट रॉ को। तो मेरे ख्याल से भाई अगला जो मंडे नाइट रॉ होने वाला सैमी जेन और ब्रॉन ब्रेकर के मैच के अंदर कुछ न कुछ भाई गड़बड़ जरूर से हो। तो जो भी हो भाई मेरे ख्याल से भाई ब्रॉन ब्रेकर के नेक्स्ट जो चैलेंजर रहने वाला शायद से इलीजा ड्रैगनोव ही रहने वाला। मैं आपको बता दूं भाई ब्रॉन ब्रेकर अभी फिलहाल टाइटल नहीं हारने वाले, ब्रॉन ब्रेकर रेसलमेनिया 41 तक चैंपियन रहने वाले। अकॉर्डिंग ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जॉन सिना का मैच आपको रेसलमेनिया 41 के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, और जहां जॉन सिना ब्रॉन ब्रेकर को हराकर ग्रैंड स्लैम चैंपियन शायद से बन सकते हैं 41 के अंदर। वैसे देन इसको नेक्स्ट मैच के बारे में बात करें जो कि आपको वैसिन बर्लिन के अंदर देखने को मिलेगा, हमारे एले नाइट वर्सेस सैंटो स्क्वायर के बीच। और ये जो मैच है भाई बेसिकली बहुत सिंपल होने वाला, इस मैच का स्टोरी बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। हम लोगों ने बेसिकली कल के स्मैकडाउन को ऊपर ही इस चीज को देखा किस तरीके से सैंटो स्क्वायर आकर एले नाइट को चैलेंज किया, उसके बाद भाई सैंटो स्क्वायर का स्मैकडाउन को ऊपर नंबर वन कंटेंडर वाला मैच हुआ था जिसके अंदर सैंटो स्क्वायर विन भी कर जाते। 100% कंफर्म है कि भाई आपको यही दोनों का मैच इस बार का आपको देखने को मिलेगा वैसिन वर्लिन के अंदर। और बेसिकली भाई यहाँ पर कोई भी टाइटल वगैरह चेंज नहीं होने वाला, मतलब जैसे चैंपियन रहने वाले सारे वैसे ही चैंपियन सारे लोग रहने वाले। मैं आपको बता दूं भाई वैसिन वर्लिन बहुत बड़ा पीपीवी नहीं होने वाला, तो इसके लिए आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाए। देन इसका नेक्स्ट मैच को आ रहा बात करें जो कि आपको टैग टीम मैच देखने को मिलेगा, डॉमडॉम लिव मॉर्गन वर्सेस डेवन प्रिस्ट और रिया रिप्ली के बीच। या फिर इस मैच के अंदर एक छोटा सा चेंज हो सकता है, जेउस भाई शायद से रिया रिप्ली के पार्टनर बन सकता है। फिलहाल के लिए भाई मेरे ख्याल से डेवन प्रिस्ट रिया रिप्ली के पार्टनर रहने वाले, क्योंकि भाई इन दोनों का टीम जस्ट बना है मंडे नाइट रॉ। आपको बेसिकली भाई एक टैग टीम मैच देखने को मिलेगा, जिस मैच के लास्ट में मेरे ख्याल से भाई इंटरफेरेंस शायद से आपको देखने को मिल सकता है। रिया रिप्ली और डेवन प्रिस्ट को भाई अभी जस्ट मतलब धोखा मिला, तो ये दोनों करंट टाइम में बहुत ज्यादा गुस्सा में। तो बेसिकली इसलिए डब्ल्यू वाले एक टैग टीम मैच रखी जिसके अंदर मेरे ख्याल से भाई रिया रिप्ली और डेवन प्रिस्ट शायद से विन कर जाने वाले, या फिर इंटरफेरेंस के कारण रिजल्ट में भी चेंजिंग हो सकता है जो कि हमें शायद से वैसिन बर्लिन के अंदर ही देखने को मिलेगा। आपको फिर से बता दूं भाई जेउस और रिया रिप्ली का काफी और कनेक्शन दिखाया जा चुका है, तो शायद से भाई जेउस भी इस मैच के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल भाई चांस थोड़ा सा कम है। वैसे देन इसका नेक्स्ट भाई अगर हम लोग बैड ब्लड पीपीवी के बारे में बात करें जो कि इंडिया के अंदर आपको 6 अक्टूबर को देखने को मिलने वाले, ये पीपीवी बड़ा कमाल का होने वाला है। आप लोग इसको समर स्लैम का लाइट वर्जन समझ सकते, क्योंकि भाई समर स्लैम के बहुत सारे मैचेस से इस मैच का कनेक्शन होने वाला है। सबसे पहले मैच के बारे में बात करें जो कि आपको ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सेथ
रॉलिंस के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इस मैच का भाई होने का काफी हाई चांस है, क्योंकि भाई ब्रॉन्सन रेड ने पेल दिया था सेथ रॉलिंस को। आप लोगों ने मंडे नाइट रॉ को पर देखा, सबसे पहले ब्रॉन्सन रेड जाता है एडम पियर के पास, उनसे एक मैच मांगता है। एडम पियर मैच देने से जब मना कर देते तो ब्रॉन्सन रेड बोलते हैं चलो ठीक है, मैं अपने लिए खुद ही अपोनेंट एक ढूंढ लूंगा। फिर वो भाई सेथ रॉलिंस के सेगमेंट के अंदर जाते हैं, सेथ रॉलिंस को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मतलब भाई वो कूट कूट कर मारते हैं। सेथ रॉलिंस के बारे में फिलहाल ये रिपोर्ट है कि उनका फिर से पुराना वाला जो मतलब बीमारी है फिर से वापस आ चुका है। डब्ल्यू वाले सेथ रॉलिंस को एक लंबा छुट्टी देने वाले, जो कि मेरे ख्याल से भाई 1 मंथ का छुट्टी होने वाला है। आपको बेसिकली भाई बैड ब्लड के अंदर आपको शायद से आपको देखने को मिल सकते हैं सेथ रॉलिंस फिर से। और अगर सेथ रॉलिंस वापस आ रहे हैं तो भाई सबसे पहले ब्रॉन्सन रेड को ही पेलने वाले हैं। वैसे देन इसको नेक्स्ट मैच को अगर बात करें, जो कि आपको देखने को मिलेगा सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच में। ये मैच भाई ऑलरेडी समर स्लैम के अंदर हो चुका है। भाई समर स्लैम के अंदर जो मैच हुआ था उसके अंदर सेथ रॉलिंस के इंटरफेरेंस के कारण इस मैच के अंदर सीएम पंक हार गए थे। तो सीएम पंक को भाई फिर से एक रीमैच है, जो कि मेरे ख्याल से वैसिन वर्लिन के अंदर होने नहीं वाला, आपको बैड ब्लड के अंदर ही देखने को मिलेगा। अगेन मेरे ख्याल से भाई बैड ब्लड के अंदर भी आपको किसी न किसी का आपको इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है, या फिर आपको अजीब तरीके से एंडिंग देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं भाई फिलहाल क्या होता है। फिलहाल आपको ये मैच आपको ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सीएम पंक का मैच आपको देखने को मिलेगा बैड ब्लड के अंदर। वैसे देन इसको नेक्स्ट अगर हम लोग अगले मैच की बात करें, जो कि होने वाला रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच। और मैं आपको बता दूं भाई, अगर ये मैच अगर बैड ब्लड के अंदर होता है तो मैं आपको बता दूं ये सबसे शानदार मैच होने वाला है। देखो बेसिकली बात है भाई, रोमन रेंज का ऐसे मैच आपको बैसिन वर्लिन के अंदर कोई भी देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि भाई बैसिन वर्लिन और बैड ब्लड पीपी में ज्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ मतलब 4 से 5 हफ्ता का डिफरेंस है। बैसिन वर्लिन के अंदर ऐसे भी भाई गुंथर और रैंडी ऑर्टन का मैच मेन इवेंट करने वाला, तो यहाँ पर रोमन रेंज का कोई भी मैच ऐसे होने नहीं वाला। बेसिकली रोमन रेंज का मैच आपको सोलो सिकोवा के साथ आपको बैड ब्लड के अंदर ही आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलने वाला। फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई रोमन रेंज का भाई जिमी उसो का हमें रिटर्न देखने को मिल जाए और टैग टीम मैच भी शायद से हो सकता है। जो भाई एक चीज कंफर्म है कि रोमन रेंज का मैच सोलो सिकोवा के साथ होने वाला है बैड ब्लड के अंदर, ये चीज 100% कंफर्म है। आपको फिर से बता दूं भाई, बैसिन वर्लिन के अंदर इनका कोई भी मैच नहीं होने वाला, क्योंकि भाई वहां पर रैंडी ऑर्टन वगैरह मेन इवेंट करने वाले। या तो हमें बैड ब्लड के अंदर हमें सिंगल मैच देखने को मिलेगा, या फिर हमें टैग टीम मैच भी देखने को मिल सकता है रोमन रेंज और सोलो सिकोवा के टीम के बीच। आपको बता दूं भाई, इस मैच का रिजल्ट किसी के भी फेवर में हो सकता है। रोमन रेंज मैच के अंदर विन भी कर सकते हैं, रोमन रेंज मैच के अंदर हार भी सकते हैं, और उसके पीछे भाई बहुत सारे एलिमेंट जुड़े हैं, मैं आपको सब कुछ बता देता हूं। देखो बेसिकली भाई सोलो सिकोवा भी कोई अल्लू जल्लू रेसलर नहीं, तो भाई डब्ल्यू वाले मतलब इनको एकदम हल्के में नहीं लेने वाले। हो सकता है जब आपको मैच रोमन रेंज और सोलो सिकोवा का देखने को मिल जाए तो उस मैच के अंदर आपको पॉल हेमन का आपको हिल्टन देखने को मिल जाए, फिर हो सकता है रॉक का रिटर्न आपको देखने को मिल जाए, हिकिलियो का रिटर्न आपको देखने को मिल जाए। देखो बात की इन लोगों का खानदान इतना लंबा, इन लोगों का स्टोरी लाइन भाई इतना लंबा फैला हुआ है कि मतलब भाई मैच के एंड में कुछ भी हो सकता है। हमेशा भाई 90% चांसेस ये रहता है कि रोमन रेंज और सोलो सिकोवा के मैच के एंड में कुछ ना कुछ अजीब जरूर से होगा। सोलो सिकोवा के लगातार पिछले 2 मैच में हमें 2 रेसलर का हमें रिटर्न देखने को मिला, सोलो सिकोवा के 2 भाई का रिटर्न देखने को मिला, समर स्लैम के एंड में हमें रोमन रेंज का रिटर्न देखने को मिला। तो इनके मैच के एंड में कुछ ना कुछ अजीब जरूर से होगा। बस आप लोग ये ध्यान रखो, ये मैच काफी कमाल का होने वाला, इस मैच का एंडिंग भाई कुछ भी हो सकता है। देन इसका नेक्स्ट अगर हम लोग फाइनल मैच की बात करें, जो कि आपको बैड ब्लड के अंदर देखने को मिलने वाला, जो कि हमारा फिन वेलर वर्सेस डेवन प्रेस्ट के बीच। भाई डेवन प्रेस्ट और फिन वेलर मैच भाई मेरे ख्याल से काफी टाइम से टीज हो रहा था, फाइनली मैच आपको बैड ब्लड के अंदर देखने को मिलने वाला। आपको पता ही होगा भाई डेवन प्रेस्ट अपने टाइटल अपने धोखेबाज दोस्त फिन वेलर के कारण हार गए समर स्लैम के। और गुंथर तो भाई अपने चैंपियंस वर्ल्ड को लेकर वहां से निकल गए, पर भाई डेवन प्रेस्ट करंट है बहुत ज्यादा गुस्से हैं फिन वेलर के ऊपर। तो बेसिकली भाई बैसिन वर्लिन के अंदर इनका सामना नहीं होने वाला, इनका सामना आपको देखने को मिलेगा इस बार का बैड ब्लड का। अगेन भाई इनका रवलरी का एंडिंग नहीं होने वाला, इसके बाद भी इनका मैच हमें देखने को मिलने वाला। बेसिकली इनका भी जो मैच होगा इस मैच के एंडिंग में हमें बड़ा अजीब हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है, हमें इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई जजमेंट डे भी काफी लंबा चौड़ा हो चुका है। डब्ल्यू वाले इनके स्टोरी लाइन को एटलीस्ट रेसलमेनिया 41 तक लेकर जाने वाले। भाई फाइनली दोनों पीपीवी के अंदर जितने भी मैचेज होने वाला मैं आपको सारे मैचेस बता दूं। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो भाई बेशक आप लोग सारे लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बस यही दोनों कीजिएगा।